ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की तैयारियां तेज। कराची से खैबर तक बरकी कुमकुमों और लाइटों से इमारतें रोशन, हर तरफ रंगों नूर की बरसात। दुरूद सलाम की सदाएं, गिलगित बल्तिस्तान में मिलाद जुलूस निकाला गया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में महफिल मिलाद का इनेकाद। कौमी असम्बली में परवेज खटक की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर दिफा बोले, अपोजिशन को आवाम ने रिजेक्ट किया, अगर मौलाना टाइम पास कर रहे हैं तो हम भी यही कर रहे हैं। सेनेट में भी अपोजिशन के शेम शेम के नारे, ऐवान से वॉकआउट। दीगर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में दबंग खिताब, बोले हुकूमत को वो पता नहीं जो हमें पता है, जरा सब्र करें, इलेक्शन होंगे और हमारे मुतालबात पर जल्द होंगे। हुकूमत का रवैया यही रहा तो निजाम लपेट दिया जाएगा, जमहूरियत गर्क हो जाएगी। कौमी असम्बली में सियासी माहौल गर्म। अली अमीन गंडापुर और हाफिज असद महमूद आमने सामने, दोनों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। जेयूआई के रुकन ने हुकूमती चैलेंज कबूल कर लिया, बोले अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें, कल इलेक्शन करा लें। मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाने को तैयार। शहबाज शरीफ की भाई का नाम ईसीएल से निकालने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त, साबिक वजीर आजम को इलाज के लिए बाहर लेकर जाना है। दरख्वास्त में मौकिफ, वजीर आजम के मावन खसूसी नई मुल्क का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालत खराब, बिलावल भुट्टो परेशान, कहते हैं साबिक सदर तक तिब्बी माहिरीन को रसाई नहीं दी जा रही, कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी।